बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान में नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में प्रत्याशी अलग अलग अंदाज में नॉमिनेशन कराने पहुंच रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में आज जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी समाजसेवी श्रीनिवास यादव ने आज पूरे दमखम के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि श्रीनिवास यादव हजारों समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने बाइक पर पहुंचे थे। श्रीनिवास यादव ने जीरादेई मोड़ से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने हजारों समर्थकों के हुजूम के साथ जैसे ही सिवान शहर में प्रवेश किया, समर्थकों के हुजूम से पूरे शहर का ट्रैफिक थम गया। पूरा शहर श्रीनिवास यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वहीं श्रीनिवास यादव ने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। विकास मुद्दा होगा। जीरादेई विधानसभा में जो भी व्यक्ति माननीय सदस्य हुए हैं, कोई विकास करने का काम नहीं किया है, उसको पूरा करने के लिए चुनाव लड़ा हूं। श्रीनिवास यादव का मेन प्रोजेक्ट क्या है वहाँ पे, जो मुख्य रूप से जो बाकी है? वहाँ सारे प्रोजेक्ट बाकी है, कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं हुआ है। बाकी निश्चित तौर पर मैंने समाज में काम करके पूरे बिहार में स्थान प्राप्त किया हूँ। उसी तरह मैं जीरादेई के विधायक होकर पूरे बिहार में उसको प्रथम स्थान। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100% जनता आपको इस बार चुनेगी? अब जनता से पूछने की जरूरत है जी। नेता सब तो कहता है कि हम चुनाव जीतेंगे, अगर जनता कहेगी तब तो क्लियर होगा।